हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के ऐसे 10 कैरेक्टर्स के बारे में जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से और जिनके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एंथ्रामॉर्फन। तो एंथ्रामॉर्फन एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो रूल करता है एक सेपरेट डायमेंशन को, जिसे डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। और डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन का टाइम नॉर्मल टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है। और एंथ्रामॉर्फन का काम है कॉस्मिक एंटिटीज़ को बॉडीज़ अवेलेबल करवाना, जैसे कि गैलेक्टस, इन्फिनिटी, इटर्निटी, लिविंग ट्राइब्यूनल और यहाँ तक कि सेलेस्टियल्स भी एंथ्रामॉर्फन की बनाई हुई एम बॉडीज ही यूज़ करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि एंथ्रामॉर्फन इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 9, मास्टर हेट। तो मास्टर हेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक एंटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स में फैल रहे हेट या नफरत को। मास्टर हेट का ओरिजिन क्या है ये तो एक रहस्य है, पर हम ये बात जानते हैं कि मास्टर हेट यूनिवर्स के बैलेंस के लिए ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि मास्टर हेट इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 8, हंगर। तो हंगर एक इविल एंटिटी है जो कि पैदा हुआ है कंप्लीट डार्कनेस से। हंगर इक्वल और अपोजिट है द वन अबव ऑल के शैडो के, जो कि एक रियलिटी ईटर है। और ये बिल्कुल सिमिलर है डीसी के द डी क्रिएटर से। और हंगर का काम है सब कुछ ख़त्म करना, यानी ओमनीवर्स का गायब हो जाना। लेकिन ये एक ऑब्वियस और स्लो प्रोसेस है जो कि हो ही रहा है। ये तो बस नेचर है, जो चीज़ शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। और अगर कभी हंगर को इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो ये उन्हें भी निगल लेगा बिल्कुल एक चॉकलेट के जैसे। नंबर 7, फलक्रम। तो द फलक्रम एक ऐसी कॉस्मिक सुपीरियर पावर है जिसका कोई भी स्पेसिफिक ओरिजिन फिलहाल के लिए तो नहीं है। फलक्रम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कुछ कॉमिक रीडर्स द वन अबव ऑल का एक अवतार मानते हैं और कुछ कॉमिक रीडर्स इसे दूसरा द वन अबव ऑल कहते हैं। और फलक्रम होल्ड करता है कुछ अमेजिंग पावर्स, जैसे लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, डिवाइन मैजिक मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन, जिससे यह साफ होता है कि फलक्रम इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 6, प्रोटीजी। तो प्रोटीजी एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो देखने में एक छोटा सा बच्चा लगता है, जो कि 31वीं सदी में यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ को रूल करता था। और प्रोटीजी के पावर्स में आते हैं पावर ड्यूप्लिकेशन, और एक बार प्रोटीजी ने लिविंग ट्राइब्यूनल तक के सभी पावर्स को सेम टू सेम ड्यूप्लिकेट कर लिया था। और मार्वल कॉमिक्स में कहा जाता है कि प्रोटीजी मार्वल की फाइनल पावर यानी द वन अबव ऑल जितना ही पावरफुल है, जिससे कि यह साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स प्रोटीजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 5, हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। वैसे तो स्कारलेट विच एक पावरफुल सुपर हीरो है जो कि अकेले किसी भी यूनिवर्सल थ्रेट का सामना कर सकती है, लेकिन स्कारलेट विच की ट्रू पावर हमें दिखी हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में। और इस स्टोरी लाइन की करता धरता और मारता सब स्कारलेट विच ही थी। और इस स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच के पावर्स उस लेवल पर थे कि इस पावर को देखकर बड़े बड़े सुपर हीरोज भी डर गए थे। और ये पावर्स थे क्योस का मैजिक, रियलिटी मैनिपुलेशन और सायोनिक पावर्स का फुल एक्सेस, जिससे साफ होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स वांडा के सामने कुछ नहीं। नंबर 4, द ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंडलेस। तो द ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंडलेस एक ग्रुप है 7 कॉस्मिक बींग्स का, जिनका कोई भी फ्रेंड या दोस्त नहीं। और ये 7ों कॉस्मिक बींग्स यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 7 फ्रेंडलेस है इटर्निटी, इनिमिटी, एंड्रोपी, इम्फैनी, एक्सपीडेंसी, एम्पैथी और इओलॉजी। और ये 7ों कॉस्मिक बींग्स कंट्रोल करते हैं अलग अलग नेचुरल फोर्सेस को, जिससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन 7 फ्रेंडेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 3, अमात्सु मिकाबोशी। तो द अमात्सु मिकाबोशी एक रियल कैरेक्टर है जापनीज माइथोलॉजी से, जिसे केओस किंग, गॉड ऑफ इविल और गॉड ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। और मिकाबोशी को सबसे ज़्यादा पसंद है अंधेरा और डार्कनेस। और अपनी इन्हीं छिचोरी हरकतों की वजह से एक बार मिकाबोशी ने एक दूसरे यूनिवर्स का सारा अंधेरा निगल लिया था, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ने लगा। इसलिए कुछ नेचुरल फोर्सेस ने मिकाबोशी को अंडरवर्ल्ड में बैनिश कर दिया। लेकिन मिकाबोशी अभी भी इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है
कि उसने गैलेक्टस को कैद कर दिया था और ज्यूस तक को हरा दिया था, जिससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स मिकाबोशी के सामने कुछ नहीं। नंबर 2, गॉड एम्परर डॉक्टर डूम। वैसे तो डॉक्टर डूम अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और किसी भी सुपर हीरो या फिर सुपर विलन को धूल चटा सकता है, लेकिन जब डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डॉक्टर डूम बनता है तब डॉक्टर डूम के पावर्स की कोई लिमिट नहीं, और इस डॉक्टर डूम के पास है बियॉन्डर के पावर्स, और ये पावर्स डॉक्टर डूम को प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल मैन। और जब कॉमिक्स में एक बार ब्लैक पैंथर ने गॉड एम्परर डॉक्टर डूम पर इन्फिनिटी गाउंटलेट का इस्तेमाल किया था तब भी डॉक्टर डूम को कुछ नहीं हुआ था, जिसका मतलब है कि इन्फिनिटी स्टोन्स डॉक्टर डूम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 1, द वन बिलो ऑल। तो द वन बिलो ऑल एक ऐसी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि रहता है नरक के सबसे नीचे यानी बॉटम ऑफ हेल में, और द वन बिलो ऑल के पावर से ही नरक चलता है यानी हेल, और उसके रूलर्स जैसे कि मेफिस्टो ज़ेराथोस, इनके पावर का सोर्स भी द वन बिलो ऑल ही है, और द वन बिलो ऑल को द वन अबो ऑल का एक डार्क काउंटर पार्ट भी माना जाता है, और द वन बिलो ऑल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन से क्रिकेट खेल सकता है। तो ये थे वो 10 कैरेक्टर्स जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से। हम जानते हैं कि हमसे कुछ कैरेक्टर्स छूट गए हैं जो कि आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एंड बी सेफ।